अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल कुकिंग अली। आज की रेसिपी है पास्ता पकौड़ा की, जो कि बहुत ही क्रिस्पी और मज़े के बनते हैं। चलें अब हम इसको बनाना स्टार्ट करते हैं। और इन सिंपल इंग्रेडिएंट्स के साथ हम पास्ता पकौड़ा रेडी करेंगे। यहाँ मैंने एक बाउल लिया है और उसमें बॉयल्ड पास्ता ऐड कर लिया है 1 कप। आप कोई भी शेप यूज़ कर सकते हैं, मैंने मैक्रोनी ऐड की है। इसमें प्याज ऐड कर लो 1 मीडियम, नमक लेंगे 1/2 टीस्पून, काली मिर्च का पाउडर ऐड कर लें 1/2 टीस्पून, कटी हुई लाल मिर्च ऐड कर रही हूँ 1/2 टीस्पून, ज़ीरा 1/2 टीस्पून, लाल मिर्च पाउडर 1/2 टीस्पून, हरी मिर्च चॉप्ड 1 टेबल स्पून, चावल का आटा 3 टेबल स्पून, बेसन ऐड करेंगे 6 टेबल स्पून, और हरा धनिया मैंने ऐड किया है 2 to 3 टेबल स्पून। इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे हम। मिक्स करने के बाद हम इसमें पानी ऐड करेंगे ताकि एक थिक सा पेस्ट बन जाएगा और इसकी अच्छे से कोटिंग हो जाएगी और इस तरह इसीलिए पकौड़ा बन जाएगा। पकौड़ों का पेस्ट रेडी है बनके। अब चलते हैं नेक्स्ट स्टेप की तरफ। इसके लिए एक कढ़ाई में ऑयल ऐड कर लें और उसको अच्छे से गर्म करने के बाद हम इसमें ऐड कर देंगे स्पून की हेल्प से थोड़ा सा पेस्ट इस तरह करके। एक एक करके आप पकौड़ा ऐड करते जाएं इसमें। और साथ साथ हम इसको थोड़ा सा मिक्स कर लेंगे ताकि इवन कलर आए। इस पकौड़ा में जो पास्ता है और जो स्पाइसेस हमने ऐड किए हैं उसका फ्लेवर बहुत ही अलग और मज़े का होता है। ये देख सकते हैं आप, पास्ता पकौड़ा रेडी है। इसको हम डिश आउट कर लेते हैं। और ये किड्स फेवरेट पास्ता पकौड़ा, जो कि बहुत ही क्रिस्पी बने थे, आपने ज़रूर ट्राई करना है इस रेसिपी को। और अगर आपको मेरी रेसिपीज़ पसंद आ रही हैं तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल और बेल आइकन को क्लिक करना मत भूलिएगा फॉर न्यू डेली अपडेट्स। थैंक्स फॉर वॉचिंग।